गौतम बुद्ध नगर से मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी, उसके बाद फिर आगरा में मैं सीओ सिटी के रूप में काम किया, सीओ हरिपर्वत रहा, फिर लखनऊ में एसपी सिटी रहा, शायद आप में से कुछ लोगों का थोड़ा बहुत परिचय रहा हो, लखनऊ में एसपी सिटी थे, फिर उसके बाद सुल्तानपुर में रहे, फिर कानपुर देहात गए, फिर हरदोई एसपी रहे, फिर उसके बाद मुरादाबाद में 9th बटालियन पीएसी में मैं अभी सेवारत था, उसके बाद यहाँ सरकार ने जिम्मेदारी दी है तो यहाँ एसपी बाराबंकी के रूप में कल आप लोगों की जानकारी में रहते हुए चार्ज लिया है और आज आप लोगों से मुखातिब हूं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो हमारी मूलभूत एक्सपेक्टेशन जनता की हमारे विभाग से है, इस पूरे शहर में अमन और शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराध न्यूनतम हो, अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जो कानून कार्रवाई हमारी आईपीसी सीआरपीसी हमें शक्तियां देती है, उन शक्तियों के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनकी निगरानी रहे, जनपद में जो ट्रैफिक है यातायात अच्छा रहे, जनपद में जो हमारे शिकायतकर्ता लोग होते हैं जिनकी कुछ पीड़ित होते हैं सामान्य जनता होती है उनके साथ पुलिस का व्यवहार, इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, व्यवहार बहुत अच्छा होने का प्रयास करना चाहिए, मीडिया पुलिस के संबंध अच्छे हों, मीडिया को लगातार जानकारी मिलती रहे, घटना हो तो उनको टाइम से बाइट मिल जाए, उनको सूचना मिल जाए, कोऑर्डिनेशन बना रहे, मीडिया सेल भी हमारा अच्छे से काम करता रहे, और साथ ही जरूरी है कि जनपद में पुलिस का काम पारदर्शिता से दिखना चाहिए, अगर किसी के साथ कोई बात हुई है तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि अब मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो मेरे केस में कानूनन कार्रवाई की जाएगी, चाहे दूसरी पार्टी कोई भी हो, न्याय उसको मिले और ना केवल मिले बल्कि उसको महसूस भी हो, और जब उसको न्याय दिया जाए तो दूसरे लोगों के अंदर भी आत्मविश्वास बढ़े, सिस्टम के प्रति आत्मविश्वास बढ़ना भी बहुत जरूरी है, इस प्रकार की फंक्शनिंग हो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, और जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार का बिल्कुल कड़े रूप से मानना है कि पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल अच्छा होना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पिछले अपने कार्यकाल में भी हमने एक प्रयास किया है कि सभी लोगों को न्याय मिले, उनको न्याय देने के लिए पुलिस कोशिश करे, ईमानदार छवि की पुलिसिंग हो, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग पूरी टीम के साथ अभी मैं अभी अपने गजेट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके ही आया हूं, उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की और उनको दिशा निर्देश दिए, आप लोग आ जाए हैं, आप लोगों से भी कुछ फीडबैक लेंगे, और ये जो प्रोसेस होगा सुधार का ये मैं आपसे बहुत विनम्रता से बता दूं कि ये कॉन्स्टेंट होगा, ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस चलेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, मैं ये दावा नहीं करता कि आज मैंने चार्ज दिया तो आज शाम को ही चीजें ठीक हो जाएंगी, बट मैं आपसे एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप कभी नहीं पाएंगे कि हमारी पुलिस मेरी लीडरशिप में सुधार का प्रयास नहीं कर रही है, हम लोग हमेशा जब मैं पुलिस ऑफिस में बैठूंगा या जब भी प्रोफेशनल चीजों को देखूंगा तो हमेशा प्रयास होगा कि प्रत्येक दिन हम लोग प्रयास करें कि अच्छा और करें, कमी जरूर रहती है लेकिन उसको हम हमेशा सुधार की तरफ लेके जाएंगे, एटीट्यूड में आपको कभी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि साहब यहां पर पुलिस का एटीट्यूड सुधारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, जहां तक हो पाएगा हम लोग परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेंगे, समय नहीं बता सकते कितना लगेगा। पुलिस अधीक्षक के रूप में मैंने आपके चार्ज लिया है और आपको ये बताता हूँ, मुझे बताने का अच्छा लग रहा है कि हम लोग की पूरी जो टीम है पुलिस की काम करेगी, पूरा जो यहाँ ऑर्गेनाइज किसी प्रकार का क्राइम एग्जिस्ट करता है उसके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी, हमारी जो जनता है उसके साथ और जनता का जो ग्रीवांस का रिड्रेसल है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, हमारे अध्यक्ष बैठ के जनता की समस्याओं को सुनवाई करेंगे और जो होने लायक चीज है उसको किया जाएगा, और अगर कहीं कोई समस्या है तो उसको पूरी पारदर्शिता के साथ जो हमारे जनता उनको बताया जाएगा, साथ ही इसकी जो पुलिस की इंटरनल फंक्शनिंग है चाहे इन्वेस्टिगेशन पे काम हो, इन्वेस्टिगेशन को बहुत स्पीडी किया जाएगा, उस पर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और साथ ही प्रोसेस को पूरा ट्रांसपेरेंट रखने का प्रयास किया जाएगा, महिला संबंधी अपराध हमारे लिए प्राथमिकता रहेंगे, उनके लिए जो हमारी नोडल महिलाएं जो बनी हुई हैं उनका पूरा उनसे पूरी हेल्प ली जाएगी, साथ ही जो ऑफिसर्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जाएगा और उसमें मीडिया से भी हम लोग हेल्प लेंगे, पूरा प्रयास रहेगा कि जनपद बाराबंकी के जो निवासी हैं उनको एक क्लीन पुलिसिंग दी जाए, उनको एक पारदर्शी पुलिसिंग दी जाए और ऐसी पुलिसिंग दी जाए जिस पर उनको गर्व हो, जिस पर उनको फेथ हो।
आने वाले दिनों में इलेक्शन है, बड़ा चैलेंज रहेगा, कैसे क्या माइंड मेकअप किया है? देखिए, इलेक्शन किसी भी जनपद के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जिसमें पूरी इलेक्शन, पूरी एक सरकारी मशीनरी जिसमें पुलिस विभाग भी महत्वपूर्ण अंग है, सभी मशीनरी को अपनी पूरी क्षमता के साथ में लगना होता है। तो हम भी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अपनी प्लानिंग उसमें शुरू हो गई है, और जो भी इलेक्शन को लेकर चैलेंजेस हैं उनको सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा और कौन हमारी टीम में बेस्ट उसमें हो सकता है और रिस्पॉन्स करने के लिए उनको लगाया जाएगा। और बहुत अच्छा एक फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम बाराबंकी इलेक्शन जनपद में कराएंगे। बाराबंकी में सट्टेबाजों का बड़ा क्योंकि मैच भी चल रहे हैं और इसमें के बच्चे इन्वॉल्व हैं। देखिए, जो मैंने आप लोग शुरू में बोला था कि जो भी जिस भी कैटेगरी के ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ हो रहे होंगे, चाहे छोटे हो रहे हों चाहे बड़े हो रहे हों, उनमें हम लोग एक अच्छा एक सूचना का तंत्र विकसित करने की कोशिश करेंगे जो हमें आम जनता से मिलेगा। साथ ही जो डेडिकेटेड हमारी टीम है, चाहे स्वाट टीम हो, चाहे क्राइम की टीम हो, चाहे थाने के लोग हो, जो डेडिकेटेड जिनकी छवि अच्छी है, ऐसे लोगों को यूज करके हम कोशिश करेंगे कि जनपद में क्राइम को, अपराध की स्थिति को न्यूनतम तक लेके जाएंगे।